सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग सन फैक्ट्री ऐप के अपडेट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा गाइज कि ये एप्लीकेशन कब तक चलेगा गाइज, और गाइज कब तक ये एप्लीकेशन पेमेंट देगा। सो गाइज सन फैक्ट्री ऐप में अपडेट आ चुका है गाइज कि अगर आप गाइज आप कोई भी नंबर पे गाइज सिंपल सा गाइज किसी से अपना रजिस्ट्रेशन लिंक से गाइज किसी को रजिस्टर करा देते हो गाइज सिंपल सा नंबर से गाइज, तो आपको 5 रुपीज़ मिल जाएंगे। जी हाँ गाइज गाइज, और अगर वो रिचार्ज कर लेता तो गाइज 150 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। जी हाँ गाइज। सो गाइज देखो, अब एप्लीकेशन का देखो 1 मंथ हो चुका है। सो गाइज एप्लीकेशन कभी भी भाग सकता है। सो गाइज दो एक ट्रिक गाइज जो कि है गाइज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वो गाइज आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज जो पर रेफर का गाइज 5 रुपीज़ कर दिया, उसका भी ट्रिक मैं अभी आपको बता देता हूँ गाइज। जैसे कि गाइज देखो, एक नंबर से आप गाइज 2 रेफर कर सकते हो। सो गाइज सिंपल सा मोबाइल नंबर होगा गाइज, इस नंबर से आप गाइज रेफर करना चाहते हो गाइज, लिंक शेयर करोगे गाइज, एक तो गाइज सिंपल सा टोटल मोबाइल नंबर डाल के गाइज कर दो रजिस्टर, और गाइज एक गाइज उसके आगे +91 करके गाइज 2 रेफर आप कर सकते हो। सो गाइज ये हो गया एक ट्रिक। अब गाइज हम लोग चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। गाइज आज की दूसरी ट्रिक हमारे बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि गाइज उसमें गाइज आपका लॉस तो कंफर्म नहीं होगा गाइज अगर ऐप भाग जाता फिर भी, बट गाइज अगर एप्लीकेशन चल गया गाइज तो आपका प्रॉफिट जरूर होगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। सो गाइज बिना देर के अब चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ और करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइज जैसे कि देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने सन फैक्ट्री ऐप में। यहाँ पे गाइज मेरे टोटल एसेट अभी 339 रुपीज़ है। यहाँ पे गाइज मैं रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, पेटीएम चूज किया और S300 कर दिया। अब गाइज यहाँ पे समझना, अगर गाइज आपका पेटीएम KYC और गाइज या फिर गाइज अपना पेटीएम से गाइज पेटीएम वॉलेट से गाइज करना चाहते हो तभी वहाँ पे नंबर डाला। मैं यहाँ पे UPI चूज कर देता हूँ गाइज पेटीएम का, और गाइज ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा पेटीएम ऐप में। वहाँ से मैं 300 रुपीज़ का सिंपल सा रिचार्ज कर दूंगा। यहाँ पे गाइज मैं पहले पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। एक बात बता दूँ गाइज, मैंने अभी तक इस एप्लीकेशन में रिचार्ज नहीं किया था गाइज, मैं अभी इस एप्लीकेशन में रिचार्ज करूँगा और गाइज अभी के अभी इस एप्लीकेशन से विड्रॉ लगा के दिखाऊंगा गाइज, और गाइज मेरा विड्रॉ 100% आएगा गाइज इस ट्रिक से गाइज। फुल्ली गाइज नो रिस्क होता है गाइज, जब भी गाइज कोई पावर बैंक जैसी एप्लीकेशन आए गाइज सबको यही ट्रिक अपनाना चाहिए गाइज, इससे गाइज काफ़ी कम लॉस के चांस रहते हैं। सो गाइज देखो, अब रिचार्ज तो कंफर्म हो गया भाई गाइज, बट यहाँ पे सक्सेस कॉर्नर में देख सकते हो आ चुका है। बट गाइज अगर आप बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पे आता है गाइज क्या कि कैंसिल योर ट्रांजेक्शन, बट गाइज आपको वहाँ पे कैंसिल पे क्लिक नहीं करना गाइज। मैं बताऊँगा आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है। सो गाइज यहाँ पे आपको सिंपल सा थोड़ा देर वेट कर लेना गाइज रिचार्ज करने के बाद, उसके बाद गाइज आपको सिंपल सा गाइज इस पूरे एप्लीकेशन को गाइज क्रॉस कट कर देना गाइज। यहाँ गाइज देख सकते हो अगर बैक करना हो गाइज यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है। सो गाइज वहाँ पे ये नहीं करना गाइज, सीधा से गाइज पूरा एप्लीकेशन को गाइज उड़ा देना, फिर गाइज दोबारा इस एप्लीकेशन को ओपन करना गाइज। मैं देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ गाइज, और गाइज मैं बता दूँ मैंने अभी पहली बार इस एप्लीकेशन में रिचार्ज किया गाइज, और देख सकते हो गाइज मेरा रिचार्ज हो चुका है, 339 रुपीज़ थे गाइज 639 रुपीज़ हो चुके हैं। सो गाइज अब मैं चल जाके गाइज यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बाय कर लेता हूँ गाइज। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिस्ट पे क्लिक किया और गाइज कन्फर्म पे क्लिक किया और गाइज ये मेरा परचेज हो गया। सो गाइज यहाँ पे गाइज देख सकते हो मेरा 300 रुपीज़ का परचेज भी हो चुका है। सो गाइज मैंने 300 रुपीज़ का देखा गाइज, अब भी मैंने सिंपल सा परचेज किया, और गाइज इससे पहले अभी तक मैंने रिचार्ज नहीं किया है गाइज, फिर भी गाइज मेरे 339 रुपीज़ पहले से थी। सो गाइज अब मैंने रिचार्ज भी कर लिया गाइज, अब मैं गाइज आपको लाइव विड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो गाइज मैं यहाँ पे अभी थोड़ा देर विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बाइंड अकाउंट करना पड़ता है गाइज। सो गाइज सिंपल सा देख सकते हो आप यहाँ पे अपने डिटेल्स भर सकते हो गाइज, नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल, बैंक अकाउंट, बैंक नेम और गाइज UPI ID और गाइज IFC कोड आपको यहाँ पे सिंपल से डाल के गाइज सबमिट कर देना। सो गाइज जिस तरह से मैंने सबमिट किया उसी तरह सबमिट कर देना। उसके गाइज यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना कितना विड्रॉ करना है। सो गाइज मैं यहाँ पे 339 गाइज डाल देता हूँ। अब मैं गाइज यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे देखो रजिस्टर करने के टाइम जो आपने पासवर्ड डाला हुआ यही वही पासवर्ड आपको गाइज यहाँ पे मांगेगा गाइज, तो गाइज सिंपल सा आपको यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल के ओके पे क्लिक कर देना। सो गाइज मैं भी यहाँ पे अभी अपना पासवर्ड डाल देता हूँ गाइज, और गाइज मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइज आपको विड्रॉ वाले पे कर देना गाइज, और आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो गाइज देख सकते हो मेरा अमाउंट यहाँ पे कट गया। मैं गाइज आपको रिकॉर्ड हिस्ट्री भी दिखा सकता हूँ गाइज, यहाँ पे देख लो राइट साइड में अभी 339 अमाउंट लिखा हुआ है, मतलब अभी ये पेंडिंग में। जैसे गाइज वो अप्रूव हो जाएगा वो गाइज लेफ्ट साइड में 339 रुपीज़ हो जाएगा। सो गाइज अब मैं आपको अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का गाइज हिस्ट्री दिखा देता हूँ गाइज, ताकि जब भी गाइज मेरा पेमेंट आए तो गाइज मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा दे सकूँ गाइज। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एयरटेल पेमेंट बैंक खोलूँगा गाइज। तो गाइज यहाँ पे मेरा एयरटेल ऐप, सो गाइज मैं सिंपल से वहाँ पे गाइज क्लिक करूँगा। सो गाइज हिस्ट्री देख के आऊँगा, इस पर लग जाएगा कि गाइज मेरा पेमेंट गाइज कितने देर में आया था गाइज,
सो गाइस सिंपल सा यहाँ पे अभी ये ओपन होगा गाइस। सो मैं सिंपल सा यहाँ पे अभी हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाऊँगा गाइस। सो गाइस थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा थोड़ा यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे मैं मोर पे जाऊँगा गाइस, यहाँ पे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा गाइस। देख सकते हो मैं भी आप लोग अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अभी दिखा देता हूँ गाइस कि मेरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हो 300 डेबिटेड जो भी मैंने रिचार्ज किया था उसका है। और गाइस जैसे ये आएगा गाइस मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा दूंगा। सो गाइस लगभग 1 से 1.5 घंटे वेट करने के बाद देख सकते हो गाइस मेरा यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हो चुका है मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक में। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे 277 रुपीज़ क्रेडिटेड, योर अकाउंट का हिस्ट्री नोटिफिकेशन भी आ चुका है। सो गाइस अब मैं आपको अपना सन फैक्ट्री ऐप में दिखाता हूँ। सॉरी गाइस ये दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो गया। सो गाइस यहाँ पे मैं सन फैक्ट्री ऐप में जाता हूँ गाइस। यहाँ पे गाइस मैं अपना हिस्ट्री दिखाऊंगा गाइस कि वहाँ से गाइस मेरा जो पेंडिंग में गाइस विड्रो था वो गाइस सक्सेस हुआ है कि नहीं। सो गाइस मैं सिंपल यहाँ पे विड्रो पे जाऊँ और गाइस कॉर्नर में रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा। सो गाइस देख सकते हो ये गाइस 339 रुपीज अमाउंट जो गाइस मेरा राइट लेफ्ट साइड में जा चुका था। सो गाइस मतलब मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। सो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे अपना रिचार्ज हिस्ट्री दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप डेट मिला लो गाइस, मैंने रिचार्ज गाइस आज ही किया है पहला रिचार्ज। और गाइस देख सकते हो पहला रिचार्ज मेरा फेल हो गया था, दूसरा गाइस रिचार्ज मेरा सक्सेस हुआ था। गाइस दोनों मैंने आज ही किए हैं। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। सो गाइस देख सकते हो हम लोग अपने सन फैक्ट्री ऐप में आ चुके हैं। सो गाइस जो इस एप्लीकेशन को नहीं जानते मैं उसको उनको बता दूँ गाइस कि ये गाइस एक इन्वेस्टमेंट ऐप है गाइस। जी हाँ गाइस, बट गाइस मैं आपको बता दूँ ये गाइस सारे जितने एप्लीकेशन थे गाइस एक तरह से फ्रॉड ही होते हैं, क्योंकि गाइस ये गाइस अपना फंड डिपॉजिट करके गाइस भाग जाता है। जी हाँ गाइस, जैसे गाइस कोई एप्लीकेशन है गाइस अभी 1 मंथ हो चुके हैं। सो गाइस जो पहले रिचार्ज कर चुके होंगे गाइस उनका तो ठीक है प्रॉफिट हो चुका होगा, बट गाइस जो अभी रिचार्ज किए होंगे उनको गाइस थोड़ा मन में डर होगा गाइस कि कहीं एप्लीकेशन भाग ना जाए, या फिर गाइस एप्लीकेशन के भागने के डर से अभी बहुत गाइस इस एप्लीकेशन में रिचार्ज नहीं करना चाहते होंगे। बट गाइस आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा गाइस जिससे गाइस अगर एप्लीकेशन चल जाता है गाइस तो आपका प्रॉफिट तो होगा गाइस, बट गाइस अगर एप्लीकेशन भाग जाता है तो गाइस इसमें आपका लॉस नहीं होगा। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ सिंपल सा गाइस इस एप्लीकेशन में आपको साइनअप कर लेना गाइस। साइनअप सिंपल सा गाइस प्रोसेस उसका मैं होप कर रहा हूँ गाइस वो आप कर लोगे। जैसे गाइस आपको साइनअप कर लोगे गाइस आपको 3 डेज में गाइस 150 रुपीज़ गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से मिलेंगे। जी हाँ गाइस, और गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे गाइस अगर आप सोलर एनर्जी वाले एप्लीकेशन में जाओगे गाइस ऑप्शन में जाओगे गाइस यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे चला जाता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे अभी मेरा शायद थोड़ा नेट स्लो होगा इसलिए अभी काम नहीं करेगा। सो गाइस मैं सिंपल सा देखा तो मैं आपको शायद इसी तरह समझाता हूँ गाइस कि इस एप्लीकेशन में गाइस आप 300 का अगर रिचार्ज करते हो मिनिमम अमाउंट 300 रुपीज़ का। सो गाइस वो आपको 0.45 पैसा गाइस हर घंटे देगी गाइस। जी हाँ गाइस, बट गाइस अब जो न्यू रिचार्ज करेंगे गाइस उनको डर लगा गाइस क्योंकि गाइस 1 मंथ हो चुके एप्लीकेशन का, गाइस एप्लीकेशन कभी भी भाग सकता है। सो गाइस देखो गाइस सिंपल सा ट्रिक है गाइस आपको 150 रुपीज़ 3 डेज में मिल जाएंगे गाइस। आपको यहाँ पे प्रॉफिट का एक ऑप्शन मिलेगा गाइस, यहाँ पे प्रॉफिट का गाइस ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करना गाइस। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गाइस क्या है फंडा मैं आपको बताता हूँ। अगर गाइस यहाँ पे 10 डे का प्लान आप चूज करते हो ठीक है, अगर गाइस आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट डालेंगे मान लो 100 रुपीज़ गाइस यहाँ पे अपने डिपॉजिट किया। सो गाइस 10 डेज बाद गाइस ये आपको 145 रुपीज़ देगा। सो गाइस देखो मैं आपको बताता हूँ 3 डेज में आपको 150 रुपीज़ मिल जाएंगे सिंपल सा गाइस। वहाँ पे 150 रुपीज़ करना गाइस यहाँ पे डिपॉजिट कर देना, 10 दिन में गाइस आपको 270 रुपीज़ हो जाएगा। फिर गाइस आपको 10 डेज बाद 217 रुपीज़ करना है गाइस, माफ करिए गाइस 217 रुपीज़ करना है। और गाइस यहाँ पे गाइस आपको डिपॉजिट कर देना, फिर गाइस आपको 314 रुपीज़ मिल जाएगा। आप गाइस देखो वहाँ पे गाइस 314 रुपीज़ मिल जाएगा जो कोई गाइस आप यहाँ पे विड्रोवल में जाओगे तो गाइस यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो ठीक। यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैंने भी यही ट्रिक को किया था गाइस ठीक। आप गाइस देखो 314 रुपीज़ हो गए गाइस, जिस दिन गाइस आपको 314 रुपीज़ हो जाएगा उस दिन गाइस देखना आपको सन फैक्ट्री एप्लीकेशन विड्रॉ दे रहा कि नहीं गाइस। वो गाइस आपको यहाँ पे गाइस प्लेटफॉर्म न्यूज में देखने को मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कितने लोगों ने विड्रॉ किया है। सो गाइस अगर उस दिन एप्लीकेशन विड्रॉ दे रहा है गाइस तो गाइस आपको इसी तरह गाइस रिचार्ज करके गाइस सिंपल से उस टाइम विड्रॉ कर देना है। बट गाइस अगर एप्लीकेशन उस दिन भाग गया था गाइस तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब गाइस देखो बताता हूँ, अब गाइस बहुत से लोग होंगे जो गाइस सोचेंगे अभी इन्वेस्ट कर रहे। सो गाइस मैं आपको पूरा सब फुल कैलकुलेशन गाइस पहले बता देता हूँ। सो गाइस अगर आप इस एप्लीकेशन में गाइस मान के चलो अभी आपने 300 रुपीज़ का रिचार्ज किया, सो गाइस आपका वो प्रॉफिट में कब बदलेगा। सो गाइस देखो 300 रुपीज़ का रिचार्ज किया मान के चलो अपने गाइस ओके। सो गाइस आपको 150 रुपीज़ तो मिल गया गाइस 3 डेज में। अब 150 रुपीज़ गाइस आपको कब मिलेंगे। सो गाइस 150 रुपीज़ को मैं गाइस सिंपल से मान के चलो 10 से डिवाइड कर दो। सो गाइस आपको 150 रुपीज़ लगभग गाइस 15 दिन में मिलेंगे। आप गाइस देखो बताता हूँ 15 दिन में तो मिल रहे गाइस, बट गाइस टैक्स भी तो कटता है, 18% टैक्स कट जाएगा आपका। सो गाइस इसमें गाइस आपका प्रॉफिट नहीं होगा। बट गाइस मैंने जो ट्रिक बताया गया उसमें गाइस आपको 20 डेज वेट करना है। उसी तरह गाइस सिंपल सा 20 डेज हो जाएगा इस 300 का सिंपल सा रिचार्ज करके 300 का विड्रो लगा लो। अगर गाइस विड्रो आ गया तो ठीक,
उस दिन अगर विड्रो गाइस सबका आया तो आपका भी कंफर्म आ गया ये। बट गाइस अगर उस दिन विड्रो ना लगे तो गाइस आपको नहीं करना। सो गाइस मैं पहले आपको अपना हिस्ट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं विड्रोवल वाले ऑप्शन में गाइस कंप्लीट कर चुका। सो गाइस देख सकते हो जिस दिन गाइस एप्लीकेशन आया था उसी दिन लगभग मैंने इस एप्लीकेशन में गाइस देख सकते हो यहाँ पे 150 रुपीज का गाइस डिपोजिट किया था और 10 दिन बाद मुझे 161 रुपीज मिले। और फिर गाइस मैंने 234 रुपीज का गाइस यहाँ पे डिपोजिट किया था, फिर गाइस मुझे 339 रुपीज मिले। सो गाइस आपको भी सिंपल सा यही प्रोसेस गाइस अपनाना है। सो गाइस उसमें गाइस आपको 161 रुपीज गाइस मिलेंगे साइन अप करने पे। गाइस यही प्रोसेस हो गाइस आप भी करो। गाइस कोई भी पावर बैंक जैसे एप्लीकेशन आती है गाइस तो आपका गाइस काफी कम प्रॉफिट काफी कम लॉस होने का गाइस चांस रहेगा।